नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं टीएसटी न्यूज लाइव। हर सच्ची खबर पर आपकी नजर, मैं हूं आपके साथ इनकी आई नजर। डालते हैं आज की खबर पे। खबर उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद से। शहीद के परिजनों की मांग पर मुख्यमंत्री आज छपिया जदे पहुंचे। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर जो ही नीचे उतरा, उतरते ही वहां पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगने लगा। सबसे पहले वहां शहीद के फोटो पर पुष्प चढ़ाया और शहीद को श्रद्धांजलि दिए। उसके बाद परिजनों से मिले। मिलने के दौरान उन्होंने शहीद की बच्ची को गोद में लेकर खिलाया। लगभग 15 मिनट मिलने के बाद अपने कार्यकर्ताओं से मिले। वहीं मुख्यमंत्री से मिलने के बाद शहीद की पत्नी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के आने का कोई मतलब नहीं, मुख्यमंत्री को पूछना चाहिए, केवल मेरे ससुर से बात किए, हमसे उन्होंने पूछा तक नहीं, उनको हमसे पूछना चाहिए, मेरे पति शहीद हुए हैं, एक बच्ची है, कैसे रहेंगे, आगे क्या करेंगे। वहीं शहीद के पिता का कहना था कि हमने जो मांग पत्र दिया है उसको सीएम साहब लेकर रख लिए हैं, लेकिन बहू से कुछ नहीं पूछे हैं। इस बाबत मुख्यमंत्री का कहना था कि आतंकवाद के खिलाफ देश की लड़ाई है, यह हम सब की सामूहिक लड़ाई है। सीआरपीएफ के जिन 41 जवानों को आतंकवाद की चपेट में पुलवामा जम्मू कश्मीर में हुए थे, उनमें से एक विजय कुमार मौर्य थे। देश के लिए जान देने वाले जवानों के लिए आज पूरा देश सम्मान का भाव रख रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश के इन जवानों का बलिदान हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। जो भी इस षड्यंत्र में शामिल होगा उन्हें चुनकर सजा दिया जाएगा। देवरिया से हमारे संवाददाता प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सीएम साहब, सीएम साहब, सर 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 सर, थोड़ा और आगे सर, और आगे सर, थोड़ा सा और आगे, रस्सी बंधी है, बस हटा मत करो, हटाओ यार ऊपर से। हां सर, क्या क्या कहना है सर? मंत्री नीचे करिए, नीचे नीचे करिए, आप लोग माइक नीचे करिए पहले। हाँ मुख्यमंत्री, क्या कहना है बताइए। हाँ हाँ, पीछे लो यार, नीचे करिए आप लोग। हाँ भैया, ये भैया, अरे हाथ चलाइए, नीचे कर लेंगे तो जाएगा, ऐसे मेरे सिर पे क्या कोई बोलेगा। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ बताएं, आईडी नहीं दिख रही है, नीचे करिए आईडी आप लोग। ठीक है, ठीक है, हाँ बताइए। और आगे मत पूछना, नीचे स्टाफ ने नीचे करिएगा, ठीक है, नहीं कैसे। हाँ ठीक है, ठीक, चलिए, देश की लड़ाई, हाँ यह हम सब की एक सामूहिक लड़ाई है। सीआरपीएफ के, हेलो, हमारे जिन 41 जवानों को ये सीएम साहब बोल ले लीजिएगा, आतंकवाद की चपेट में, हेलो, पुलवामा जम्मू कश्मीर किनारे, हेलो सीएम साहब बैठ जा रहे बोलिए, चुप रहिए भाई, कुमार मौर्य चुप रहिए ना, आपको उन जवानों में से एक बाइट दे रहे हैं, सुनिए भाई, यह देश के लिए बलिदान होने वाले हर जवान के प्रति पूरा देश आज सम्मान का भाव रख रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी बार बार इस बात को कहा कि देश के इन जवानों के बलिदान को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। नीचे करा यार, जो भी साजिश का हिस्सा है, जिन लोगों ने भी इस घटना को अंजाम दिया, उसके हिस्से रहे हैं, एक एक से चुन चुन करके निपटने की तैयारी हो रही है और बहुत सख्त कार्रवाई इसमें होगी। पूरे देश को धैर्य के साथ अपना पूरा समर्थन सरकार को देना चाहिए। मैं इन सभी जवानों के प्रति कोटि कोटि नमन करता हूं, उनके बलिदान को स्मरण करते हुए उनके इस योगदान के लिए उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं। प्रदेश के अंदर हमारे सीआरपीएफ के 12 जवान पुलवामा में शहीद हुए थे। प्रत्येक जवान के परिवार को राज्य सरकार की ओर से भी हम लोगों ने 25 लाख की अनुग्रह राशि और परिवार के सदस्य को राज्य सरकार में नौकरी दिलाने
की व्यवस्था की है। साथ ही गांव के पहुंच मार्ग और अन्य उनकी स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए भी कार्य करने के निर्देश संबंधित जिला प्रशासन को दिए गए हैं। कल मैं महाराजगंज गया था, महाराजगंज से भी एक जवान पंकज त्रिपाठी इस आतंकी घटना की चपेट में आए थे। प्रदेश के अंदर अन्य जनपदों से भी हमारे कुल जवान पुलवामा में शहीद हुए थे जो उत्तर प्रदेश के निवासी थे। मेरा प्रयास होगा कि सभी जवान के परिवार को से मिले और अपनी संवेदना के साथ व्यक्त करते हुए राज्य सरकार का सम्मान उस परिवार को मैं उपलब्ध कराऊं, भारत सरकार को उसे सम्मान उन परिवारों को उपलब्ध कराऊं। आज की इस घड़ी में मैं इस परिवार के सदस्यों से मिलने के लिए आया और परिवार के लोगों ने जिस धैर्य के साथ इस परिस्थिति में भी अपनी मातृभूमि के लिए अपने देश के लिए जो जज्बा दिखाया है वह अभिनंदनीय है। मैं राज्य सरकार की ओर से भी और केंद्र सरकार की ओर से भी इन परिवारों को आश्वस्त करता हूँ, दोनों सरकारें संकट की इस घड़ी में इस परिवार के साथ में है और हम लोग भरपूर सहयोग इन सभी परिवारजनों को करेंगे। लेकिन आपने बताने की कोशिश की क्या? लेकिन हमारे नीचे करा बात करने में लेकिन ये कि टीवी नहीं पूछे नहीं कि मतलब तुम्हारे हस्बैंड सही मतलब क्या है, क्या चाहिए, क्या तुम चाहती हो, मतलब ऐसा कुछ पूछे ही नहीं हमसे। अच्छा लगे दे दीजिए इसे क्या बोले हैं, क्या बात हुई? आप क्या कहना क्या चाहती थी मुख्यमंत्री से, कहना क्या चाहती थी, कौन सी बात है जो रह गई? थोड़ा भी बहुत दुखी है। किस मामले को लेके? इस मामले से मतलब तुम्हारा हस्बैंड शहीद हुआ है देश के लिए लेकिन तुम एक बच्ची को 1.5 साल के लेके क्या करना चाहती हो, कुछ बोलो, उनको बोलना चाहिए ना, लेकिन कुछ नहीं पूछा। उनको हमारे घर आने से क्या फायदा बताइए, जब जो शहीद हुआ उसकी बीवी से अगर नहीं एक शब्द पूछे उनको आने से क्या फायदा। हमें बोलना चाहते हैं उनसे, यही पूछना चाहते हैं किस लिए आए हम, किस लिए अपने पति का पहाड़ी को रोक के रखे थे, हमारे नहीं सुना, नहीं पूछा, नहीं कुछ कहा। मतलब जो आपने मांग किया था उसे कोई बात नहीं बनी आपकी? मांग तो क्या है, अगर मांग लीजिए जब हमारे दुख दर्द का एक शब्द भी नहीं पूछे तो मांग तो भी बहुत दूर की बात है ना। आपसे बात ही नहीं की है, मतलब वो हमसे कुछ पूछे नहीं कि तुम्हारे हस्बैंड शहीद हुए देश के लिए, तुम कुछ कहना चाहती हो, सीएम साहब के आने से कोई फायदा नहीं, क्या हुआ, हमसे कुछ नहीं पूछे, हम तो बगल में ही थे ना, पूछना चाहिए। तो किससे बात किया उन्होंने? हमारे ससुर से बस बात किए, उन लोग अपना जो कुछ है कहने लगे तो उन्हीं को कहे कि तुम आपके देश में बेटा पैदा किया, ये हमने पूछे ही नहीं। तो आपने किसी से नहीं पूछा कि हमने जीत किया था? तो आपके और आपके ससुर जी से बात नहीं हुई थी कि मुख्यमंत्री आएंगे तो हमें ये कहना है? आपस में कोई बातचीत नहीं हुई थी? बात तो हुई थी लेकिन कम से कम उनको एक शब्द पूछना चाहिए ना कि तुम्हारा दर्द पीड़ा में क्या मतलब चाहती हो, बच्ची को लोगे कैसे ना होगी, कैसे नहीं होगी, ये कोई संस्कार होता है कि नहीं होता है उनका, एक शब्द भी तो पूछे होते हमसे लेकिन नहीं पूछा। तुम इस दर्द पीड़ा में कैसी हो, क्या चाहती हो बच्ची के लिए, भविष्य के लिए, या तुम अपने लिए क्या चाहिए, क्या नहीं कुछ नहीं पूछा। सीएम साहब से हम कुछ लिस्ट बनाए थे वो दे दिए और बोले हम भी थोड़ा नीचे कि हमारे घर का जो बच्चे भी नीचे जाने के लिए शहीद होने के लिए तैयार है उनको सेवा में लिया जाए और हमारा जो अधूरा काम है उसके लिए तो कुछ नहीं, लेकिन जो दो एक बहू हमारी है उसको एक बड़ा वाला लड़का MSc है वो गुजरात में रहता है, उसको मैं चाहता हूँ कि हमारा यहाँ नदी कुछ का कहीं हो जाएगा तो मेरा सेवा करता रहेगा, देखभाल करेगा।
बोले ठीक है जहाँ तक जो कुछ होगा मैं करूँगा। मतलब सारी मांगे आपकी लगभग पूरी हो गई? हाँ, बोले हैं कि ये भी बोले लेखक लिख रहे थे बोले कि ये खाली हाँ नहीं होना चाहिए काम होना चाहिए। मतलब सीएम साहब आने से आप संतुष्ट हैं? हाँ संतुष्ट है, जो लिख करके दिए है वो तो लेकर के रख लिए, बोले इसका लेटर आप। लेकिन आपकी बहू ने मांग किया था सीएम साहब आवे, लेकिन सीएम साहब आपकी बहू से नहीं बात कर पाए? बात किया ना, हमारे पास में बहू पहले थी बाद में हम थे, बहू से बात हुई थी। हाँ, बात हुआ तो बहू तो कह रही है, बहू तो कह रहे हैं हमसे सीएम साहब कोई बात नहीं, हमारे ससुर से ही बात हुई है खाली, ऊपर हमसे बातें नहीं। ये बात तो हाँ बच्ची के बारे में हो, लेकिन बहू से हमारे मतलब वो पूछे भी नहीं कुछ। तो मेन तो बहू ने कहा शहीद की बहू है, शहीद की पत्नी है, वो तो मांग उन्हीं की थी मिलने के लिए, तो सीएम साहब उनकी शहीद की पत्नी से भी नहीं मिले, सिर्फ आपसे मिलने क्या मतलब रहा? नहीं मिले तो थी ऐसे, जो आपकी बहू ने जो मांगे रखी थी कि हम सीएम साहब से ही बात करेंगे, सीएम साहब से बात ही नहीं किए? हाँ बात करेंगे, लेकिन उनको पूछे नहीं कि हाँ आपकी क्या बात थी दो मिनट के लिए या एक सेकंड के लिए, ये बात मतलब तो सीएम साहब को बात करनी चाहिए थी इनके बहू, मतलब बहू यही मेन चीज था कि हम दो मिनट के लिए अपने हमारा बात सुने कि हम क्या कहते हैं कहने, दो मिनट के लिए हमसे मिले। पुछो बस मतलब बेकार गया, बहू से बात नहीं की, शहीद की पत्नी से बात नहीं सीएम ने किया? हाँ बहू से बात करने का था, बात हमारे से तो भरपूर हुआ, लेकिन बहू से शहीद की पत्नी से सीएम साहब बात नहीं की? कागज उसका लिए, कागज लिए और कुछ उसको पूछे नहीं, लेकिन कागज उसका ले लिए, बोले कि ठीक है। तो शहीद की पत्नी की बातें अधूरी रहेगी, सीएम साहब की कोई मतलब नहीं रहा फिर? हाँ साहब को पूछना चाहिए कि बहू क्या है आपको क्या विचार है बोलिए, लेकिन ये बात मतलब बहू से बात नहीं हुआ कुछ, उनकी जब उनकी बराबरी बगल में उनका कागज और उनके बदले बात करने के लिए बहू ने हमारी बोली थी, वो तो कोई जवान आया था एक दिल्ली से, तो उससे वो बोली थी कि हम नहीं बोल पाएंगे आप हमारे बदले हमारी बात रख दीजिएगा। अब कोई मांग नहीं है? ऐसी कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए टीएसटी न्यूज लाइव के साथ, नमस्कार।